बालाघाट उकवा नायब तहसीलदार ने तोड़ा बेरोजगारों का अतिक्रमण। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगार बच्चों के लिए अनेकों प्रकार की योजना निकालकर उन्हें अच्छे से जीवन गुजारने का मौका दे रही है, किंतु कुछ शासन के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बेरोजगार बच्चों की दुकानों को तोड़फोड़ करके उन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है। इसी प्रकार एक मामला जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत उकवा में उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार संदीप नांगोसे के द्वारा गरीबी रेखा में जीवन व्यापन करने वाले दो बच्चे, जिनके माता पिता बचपन में ही मर चुके हैं, जिन्हें उनके चाचा के द्वारा पालन पोषण कर उन्हें रोजगार के लिए एक ठेला खरीद दिया गया था। वह ठेला नायब तहसीलदार कार्यालय से लगभग 500 मीटर दूरी पर मेन रोड से उस तरफ रखा हुआ था। नायब तहसीलदार संदीप नांगोसे के द्वारा बिना सूचना दिए उस ठेले को तोड़ दिया गया, जिससे उन गरीब अनाथ बच्चों को क्षति पहुंचाई गई। जबकि ग्राम उकवा में आज भी अतिक्रमण किया जा रहा है, किंतु नायब तहसीलदार उकवा के द्वारा उन्हें ना तो रोका जा रहा है और गरीबों को परेशान किया जा रहा है। यही मामला नहीं है, इसी प्रकार एक मामला और ग्राम पंचायत उकवा के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में कुछ गरीब महिलाओं के द्वारा झोपड़ी बनाई गई थी। वहां के कुछ लोगों के द्वारा झोपड़ी तोड़ दी गई, किंतु ना तहसीलदार संदीप नांगोसे के द्वारा उन महिलाओं के ऊपर एवं उन तोड़ने वालों के ऊपर 107/116 का प्रकरण बनाया गया, जबकि तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना था। इन बच्चों को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नायब तहसीलदार के द्वारा नहीं दी गई तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ऐसा पीड़ितों द्वारा कहा जा रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट।